अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। विदाई के जिम में मैं पहुँच चुका हूँ। दस में पाए ख़राब हुई जिसमें थोड़ा हेड हो गया, लेकिन मैं पहुँच चुका हूँ और अब मैं एक्सरसाइज करूँगा। और आजकल मेरा वर्कआउट है वो है चेस्ट वर्कआउट। मैं अभी ज़रा फ्री फैल ग्रिप, ये इसलिए भी सही है क्योंकि इससे पहले आपको आपकी जो रिस्ट है इंजर्ड होने का खतरा कम होता है, इंजरी से बच सकते हैं आप। मैं आज चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है क्योंकि लोड आता है चेस्ट के ऊपर। तो ये तो वर्कआउट शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरी अगली एक्सरसाइज है इंक्लाइन बारबल बेंच प्रेस। ये अपर चेस्ट के लिए होता है, सेम वही तरीका है जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया फ्लैट बेंच प्रेस में, सेम उसी तरह से ये एक्सरसाइज भी की जाएगी। शोल्डर बस ये मेरा पहला सेट है। Thank you.
इसी तरह से मैं तीसरा सेट लेना कम्प्लीट करूँगा, उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हुई थी इससे और आउट करूँगी। अभी मेरे सेकेंड सेट में 15 रैक किए, लाइक लास्ट सेट 15 से 12 रैक इसके करूँगा। गाइस मेरी अगली एक्सरसाइज है डिक्लाइन बारबल बेंच प्रेस लोअर चेस्ट के लिए, इसके भी सेम इसी तरह से 3 सेट करने हैं, लाइट वेट के साथ हाई रिपीटेशन, फिर वेट इंक्रीज करना है, रेप्स ड्रॉप करने, फिर लास्ट सेट में भी इसी तरह सेम जैसे मैं पहले एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ। सो गाइस आपने एक तो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, आपने तरतीब के साथ इस एक्सरसाइज को चेस्ट की करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेस्ट ग्रो हो, मसल बिल्ड हो चेस्ट के, तो जिस तरह से मैं आपको गाइस एक्सरसाइज बता रहा हूँ सेम इसी तरह से आपने एक्सरसाइज करनी, तरतीब का ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं वो फर्स्ट सेट फ्लैट बेंच प्रेस का करते हैं, फिर डंबल फ्लाइंग करते हैं, सो ऐसा मेक श्योर नहीं करना आपने गाइस, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो मे बी आई होप कि आपको एक्सरसाइज मेरी समझ आ रही होगी, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। उससे मैं गाइस अपना जो है ना सेट करता हूँ ये डिक्लाइन बारबल बेंच प्रेस का। बेंच पे गाइस आपने इस तरह से आपने मुझे भी बताया था तुम्हें शुरू कर और चेस्ट जो बात कर रहे हैं अर्थात यहाँ और चेस्ट बारबल बेंच प्रेसेस, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच एंड लास्ट में इंक्लाइन बेंच प्रेस कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं अब अगर आपके जिम में ये प्रेस मशीनें हैं सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, ये अगर आपके जिम में या परचेस्ट के लिए भी है सो ये आप यूज़ कर दो, अदरवाइज़ आप डंबल का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैं अभी डंबल फ्लैट बेंच पे यूज़ करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह आपने सेट करने हैं, रिपीटेशन भी इसी तरह से रखनी है। अगली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस, ये अपर चेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, सो मैं अभी ये एक्सरसाइज करने लगा हूँ इसी तरह सेम
तीन सेट लाइट वेट के साथ हाई रिपीटेशन, मैक्सिमम 20 रेप तो होने चाहिए। उसके बाद आपने वेट को इंक्रीज़ करके सेट रेप्स को ड्रॉप करना है। देन नेक्स्ट सेट में आपने, अगर आप कर सकते हैं, वेट इंक्रीज करके आपने रेप्स को ड्रॉप करना है। सेट में थोड़ा सा आपने मैक्सिमम 10 से 15 से 20 सेकंड आपने फेंक लेना। अगर आप हैवी वेट से करोगे तो आपने कम से कम 40 से 50 सेकंड का ब्रेक करना और पानी आइस पी के रखेगा। वर्कआउट करवा था डिहाइड्रेशन ना। Thank you.
गाइस मेरे दो सेट कंप्लीट हो चुके, इसकी भी आपने तीन सेट करने हैं एक्सरसाइज के, फ्रेड बेंच डंबल फ्लाइंग के। अब मैं एक्सरसाइज करूंगा पेक डेक फ्लाई, सो वो करता हूँ एक्सरसाइज, उसके भी इसी तरह से सेट करने हैं आपने। एक्सरसाइज है फुल ओवर, कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रहा
आज मेरी हो गई एक्सरसाइज कम्प्लीट। ये था मेरा चेस्ट का वर्कआउट। आई होप कि आपको अच्छा लगा हुआ है। उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कआउट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।